हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आर.के. बायोलॉजी क्लास है सीकर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज अपन चर्चा करते हैं आने वाली स्कूल लेक्चरर एग्जाम के फर्स्ट पेपर जनरल साइंस का टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, इससे बनने वाले मोस्ट क्वेश्चनों के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। भौतिक परिवर्तन में निम्नलिखित में से पदार्थ का कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन देखिए, भौतिक अवस्था, आयतन, आकार और रासायनिक संगठन। तो अपने को पता है फ्रेंड्स, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं होता है। चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना, मोम का पिघलना, जल का बर्फ बनना और नमक का पानी में घुलना। तो इनमें से फ्रेंड्स, कोयले का जलना एक रासायनिक परिवर्तन माना गया है, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वह अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं होता है। लोहे पर जंग लगना, नमक का पानी में घुलना, बर्फ का पिघलना, कार्बन डाइऑक्साइड का शुष्क बर्फ में बदलना। तो इनमें से लोहे पर जंग लगना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है, क्योंकि लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है, जिसके कारण अपन उसे एक रासायनिक परिवर्तन कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया N2+3H2=2NS3 है। अभिक्रिया का प्रकार बताना है, वियोजन, योगात्मक, पुनर्विन्यास या मंद अभिक्रिया। तो इसके अंदर दो अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मंद अभिक्रिया का उदाहरण है, चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करना, NaOH में HCl का मिलाना, C14 का रेडियो एक्टिव रूप में विघटित होना और कोयले का जलना। तो इनमें से जो थर्ड ऑप्शन है, C14 का रेडियो एक्टिव तत्व में विघटित होना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघटन में कॉपर आयनों का कॉपर धातु में बदलना क्या कहलाता है। अपचयन, ऑक्सीकरण, विश्लेषण या वियोजन। तो ये क्रिया कहलाती है फ्रेंड्स, अपचयन। तो विद्युत अपघटन में कॉपर आयनों का कॉपर धातु में बदलना अपचयन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक का टुकड़ा डालने पर इसका नीला रंग धीरे धीरे धूमिल हो जाता है, यह अभिक्रिया है योगात्मक, वियोजन, विस्थापन या भौतिक अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया मानी गई फ्रेंड्स, विस्थापन अभिक्रिया। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकारक पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन का त्याग करता है। तो इसमें यह अभिक्रिया में ऑक्सीकारक पदार्थ जो होता है वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपचायक है, CH4+Cl2=CH3Cl+HCl। तो इनमें से अपचायक देखिए, CH4, Cl2, CH3Cl और HCl। तो इनमें जो फर्स्ट ऑप्शन CH4 है वह यहाँ पर अपचायक का कार्य करता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, 2KClO3 से इक्वल 2KCl+3O2 अभिक्रिया उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, विश्लेषण अभिक्रिया का या ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। तो यह उदाहरण माना गया फ्रेंड्स, वियोजन अभिक्रिया का। फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि इसके अंदर अपने को पता है एकल उत्पाद जो एकल अभिकारक टूटकर दो उत्पादों में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना है, विस्थापन अभिक्रिया, विश्लेषण अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो लोहे पर जो जंग लगना है वह क्या है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि O2 की उपस्थिति में यह क्रिया संपन्न होती है, इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तांबे के पात्र में
जल रखने पर तांबा घुलकर धीरे धीरे जल में विलय होता है, यह उदाहरण क्या कहलाता है? अपचयन, संयोजन, ऑक्सीकरण या विस्थापन। तो इसमें थर्ड ऑप्शन यानी ऑक्सीकरण जो है वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक के विलयन में दो इलेक्ट्रोड लगाकर धारा प्रवाहित करना एक रासायनिक प्रक्रिया है, एक भौतिक प्रक्रिया है, मंद अभिक्रिया है या योगात्मक अभिक्रिया है। तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूध या हो जाता है, यह प्रक्रिया है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, वियोजन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण। तो इनमें से फ्रेंड्स अपन कहेंगे चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर दूध या हो जाता है तो यह प्रक्रिया क्या है? रासायनिक परिवर्तन, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वह इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदी के आभूषणों का लंबे समय पश्चात काला पड़ जाना प्रक्रिया है, रासायनिक, भौतिक, अपचयन और ऑक्सीकरण एवं रासायनिक। तो यह प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण एवं रासायनिक, फोर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तित हो भी सकता है और नहीं भी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रासायनिक परिवर्तन में अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होता है फ्रेंड्स वह क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, उत्प्रेरक का कार्य किसी अभिक्रिया के वेग को घटाना, बढ़ाना, परिवर्तित करना या अपरिवर्तित करना क्या होता है? तो उत्प्रेरक का कार्य किसी अभिक्रिया के वेग को क्या करना? परिवर्तित करना, अर्थात कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव उत्प्रेरक का उदाहरण है, जैव उत्प्रेरक का उदाहरण है वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम और हीमोग्लोबिन। तो इनमें से जैव उत्प्रेरक का उदाहरण माना गया है एंजाइम को, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल के ऑक्सीकरण से प्राप्त गैस होती है O3, ओजोन, H2, हाइड्रोजन, HE, हीलियम, O2, ऑक्सीजन। तो जल के ऑक्सीकरण से जो प्राप्त गैस होती है वह क्या कहलाती है? O2 यानी कि ऑक्सीजन कहलाती है, फोर ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के अपचयन से प्राप्त गैस होती है H2 यानी हाइड्रोजन, O2 यानी ऑक्सीजन, H2O2 हाइड्रोक्साइड और HE हीलियम। तो जल के अपचयन से जो गैस प्राप्त होती है वह कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है, फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है। तो फ्रेंड्स ये थे अपने स्कूल लेक्चरर एग्जाम फर्स्ट पेपर से पूछे जाने वाले जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन कैसे लगे अपने सुझाव कमेंट्स में ज़रूर दीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक जल्दी से जल्दी उसकी नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक्स।